मर्द की सबसे ज्यादा खुशी फतह में होती है। अपने दुश्मन को फतह करना, इनका पीछा करना और इनके माल से महरूम करना, गुस्सा एक ऐसा अमल है जो तबाही और बर्बादी के लिए जन्म लेता है। जब तक कोई शय मुर्दा ना हो जाए, इसमें कोई अच्छी बात नहीं। दीवार की ताकत ना तो इसके दिफा करने वाले की हिम्मत से ज्यादा है ना कम। एक जहीन अकीदे का मुजाहिरा करें ताकि आप अपने दुश्मन को फतह कर सकें और फिर लंबी हंसी खुशी जिंदगी बसर करें। मेरी जिंदगी दुनिया को फतह करने के लिए कम थी, मैं ये काम आप पर छोड़ता हूं। शायद मेरे बच्चे बड़े बड़े महलों में रहें, मगर मैं नहीं। मैं खुदा का एक अजाब हूं। अगर आप बुरे काम और गुनाह ना करते तो खुदा मुझ जैसा अजाब आप पर कभी ना भेजता। तुम हक बात कहने से मत डरो, क्योंकि ना कोई तुम्हें मौत दे सकता है और ना कोई तुम्हारा रिस्क कम कर सकता है। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, जबकि कमजोर लोग दुनिया के खौफ से अपने फैसले बदल देते हैं। खूबसूरत औरत काबू में जरा मुश्किल से आती है, लेकिन एक बात इसकी कमजोरी होती है और वो है तारीफ। जब मर्द तारीफ करता है तो वो बेचैन हो जाती है, लेकिन मर्द खूबसूरत औरत की वजह से अपने मकसद को भूल जाते हैं और ये काम करने से यकीनन वो सब कुछ खो देते हैं। अगर आप खौफजदा हैं तो पीछे लौट जाएं, अगर आप बहादुर हैं तो खौफजदा मत हों। अकेले तीर को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन बहुत से तीरों को तोड़ना मुमकिन नहीं। घोड़ों के पीछे दुनिया को फतह करना आसान है, हमेशा अपनी जुस्तजू और ताकत से हुक्मरान बनो। ये काफी नहीं कि मैं कामयाब हूं, बाकी सबको नाकाम होना चाहिए। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है, कब कौन कहां बदल जाए पता ही नहीं चलता।